गुड मॉर्निंग एम ओ एम फिफ्थ सेम स्टूडेंट्स आज हम लोग देखने वाले हैं एक कंप्यूटर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण डिवाइस है माउस जैसे हम लोग कहते हैं एक पॉइंटिंग डिवाइस होता है एक इनपुट डिवाइस होता है जिसके माध्यम से हम लोग कितने ऑप्शंस को हम सेलेक्ट करते हैं कई चीज़ों को जैसे हम कोरल में काम करते हैं फोटोशॉप में काम करते हैं तो हम ऑब्जेक्ट्स को यहाँ से वहाँ मूव करते हैं उनकी कलर की फिलिंग करते हैं तो बड़ा ही इम्पोर्टेंट चीज़ है और माउस ऑलमोस्ट सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला एक डिवाइस है कंप्यूटर के अंदर में बट कभी कभी क्या होता है ये माउस वर्क नहीं करता है उसका पॉइंटर या तो हमें दिखता नहीं है या तो उस वो जो पॉइंटर है वो एक एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन मूव नहीं हो पाता जिससे हम किसी ऑप्शंस को सेलेक्ट नहीं कर पाते हैं तो इसी स्टेट ऑफ जो माउस का ये जो स्टेट है ये हेल्दियर स्टेट तो नहीं है लेकिन इसी स्टेट को बोलते हैं यही जो एरर है यही जो फॉल्ट है जो आता है इसे बोलते हैं माउस नॉट रिस्पॉन्डिंग तो ओवर uh, मैंने दे ही दिया है कि वाइल वर्किंग ऑन कंप्यूटर एंड माउस पॉइंटर नॉट पॉइंटर नॉट लुकिंग ऑन स्क्रीन मतलब पॉइंटर कभी कभी दिखता भी नहीं है और इफ इट इज लुकिंग अनेबल टू मूव द पॉइंटर देन दिस प्रॉब्लम इज नोन एज माउस नॉट रिस्पॉन्डिंग प्रॉब्लम मतलब या तो माउस पॉइंटर हमें एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन मूव नहीं हो रहा है या तो फिर वो दिख रहा है तो वो प्रॉपरली हम उस पर वर्क नहीं कर पा रहे हैं तो ये जो फॉल्टियर स्टेट ऑफ माउस है इसे ही बोलते हैं माउस नॉट रिस्पोंडिंग प्रॉब्लम तो कौन कौन से रीजन होते हैं है ना माउस नॉट रिस्पोंडिंग प्रॉब्लम के तो कंप्यूटर फ्रोजन कभी कभी हमारा कंप्यूटर क्या होता है हैंग स्टेट में चला जाता है वो मेमोरी uh, ओवरलोडेड हो जाता है तो इसी स्टेट को बोलते हैं कंप्यूटर फ्रोजन कंप्यूटर हैंग हो जाता है तो उस स्टेट में माउस रिस्पॉन्ड नहीं करता है हार्डवेयर कंफ्लिक्ट हो सकता है हो सकता है मैंने न्यूली प्रिंटर इंस्टॉल किया है और उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही हो माउस इज नॉट कनेक्टेड करेक्टली हो सकता है माउस को मैंने प्रॉपरली उसके पोर्ट्स में कनेक्ट नहीं किया है और वो प्रॉब्लम आ रही है तो माउस ड्राइवर आउटडेटेड और मिसिंग हो सकता है माउस माउस का जो ड्राइवर है उसे चलाने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ जो कम्युनिकेट करने वाला जो सॉफ्टवेयर हो सकता है आउटडेटेड हो आउटडेटेड यू एस बी ड्राइवर अदर यू एस बी ड्राइवर इशूज ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल कर अपडेड अदर हार्डवेयर इशूज़ ये माइट भी पॉसिबल रीजनस हो सकते हैं इस पर्टूलर फॉल्ट जो आता है एरर में उसका कंप्यूटर फ्रोजन तो वैन कंप्यूटर फ्रिज इज द फर्स्ट साइन इज़ यूजली दैट द माउस हैज़ स्टॉप रिस्पोंडिंग इफ योर माउस पॉइंटर हैज़ सडनली स्टॉप रिस्पॉन्डिंग फॉलो दिस स्टेप्स टू रिमाइंड इफ योअर कंप्यूटर इज़ कंप्लीटली फ्रोजन Uh using the num lock key, make sure the computer is not frozen by pressing the num uh, lock key on the keyboard when num lock is pressed repeatedly the num lock indicator. एल ई डी ऑन योर कंप्यूटर शूड टर्न ऑन एंड ऑफ इफ दिस इंडिकेटर डज नॉट चेंज योर कम्प्यूटर इज फ्रोजन मीनिंग ऑल हार्डवेयर ऑन द कंप्यूटर विल नॉट वर्क वर्क रिवू द कंप्यूटर टू रिजोल्व दिस इशू इफ यू डोंट हैव एन इंडिकेटर लाइट प्रोसेस टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सेक्शन मतलब बोलने का मतलब ये है uh, हम लोग नॉर्मल भाषा में बोलते हैं कंप्यूटर हैंग हो गया है है ना उस स्टेट में क्या होता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का जो प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है उसी वजह से हम कोई भी वर्क नहीं कर पाते हैं उस स्टेट में चेक करिए आप नम लॉक जो की होता है उसे ऑन ऑफ़ करके देखिए यदि एलईडी जो है कीबोर्ड का वो ब्लिंक कर रहा है वो ऑन ऑफ हो रहा है इसका अर्थ है कि आपका कंप्यूटर फ्रीज नहीं हुआ है और यदि ऑन ऑफ होना भी बंद हो गया है तो समझ लीजिए आपके पास एक ही ऑप्शन है कंप्यूटर को आप रिस्टार्ट करिए हार्डवेयर इफ़ एनी न्यू हार्डवेयर वॉज रिसेंटली इंस्टॉल्ड ऑन द कंप्यूटर रिमो इट टू हेल्प वेरीफाई द न्यू हार्डवेयर इज नॉट कॉजिंग कन्फ्लिक्ट विथ यूर एग्जिस्टिंग माउस तो देखिए आपने कोई नया हार्डवेयर इंस्टॉल किया है उसके बाद ये प्रॉब्लम आ रही है माउस रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है तो करें क्या उस हार्डवेयर को आप क्या करें अनप्लग कर दीजिए या तो अनइंस्टॉल कर दीजिए तो हो सकता है ये हार्डवेयर कन्फ्लिक्ट है ये प्रॉब्लम कहलाता हार्डवेयर कन्फ्लिक्ट मतलब कोई नया हार्डवेयर लाया उसकी वजह से माउस रिस्पॉन्ड नहीं दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम इज़ एज हार्डवेयर माउस इज़ नॉट कनेक्टेड करेक्टली देखो हो सकता है कि आपका जो माउस जो यूज कर रहे हो वो पोर्ट में प्रॉपरली प्र, कनेक्टेड नहीं है है ना हो सकता है वायरलेस माउस है तो हो सकता है आपने उसका पावर बटन है वो आपने ऑन नहीं किया है पीएस टू माउस है है ना तो हो सकता है कि जो पी एस टू पोर्ट होता है, पीछे में, है ना ना पैनल uh, के वहां पर आपका माउस जो है है वो हो हो ये एक reason ये भी हो सकता सॉफ्टवेयर और ड्राइवर कन्फ्लिक्ट बूट इन टू सेफ मोड इफ माउस इज वर्किंग सेफ मोड देर इज लाइकली अ ड्राइवर और सॉफ्टवेयर कंफ्लिक्ट देखो से, एक सेफ मोड होता है कंप्यूटर को हम सेफ मोड में ऑन करते हैं और वहां पर यदि सेफ मोड में यदि हमारा माउस वर्क कर रहा है तो उस स्टेट में हम ये श्योर हो जाएं कि हमारे आ, मशीन में हमारे कंप्यूटर में ड्राइवर या सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम है है ना तो माउस ड्राइवर आउटडेटेड और मिसिंग हो सकता है कि न, आ, कि जो ड्राइवर अभी इंस्टॉल्ड है, है ना और अभी उसका लेटेस्ट ड्राइवर आ गया है तो ये जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम है ना ये कहलाता है हमारा माउस का जो ड्राइवर है वो हो गया है आउटडेटेड तो उसे हमें अपडेट करना पड़ेगा ठीक है आउटडेटेड यू एस बी ड्राइवर सेम वही है मैं दो दो बार हो गया है आई थिंक माउस ड्राइवर आउटडेटेड और मिसिंग है ना मशीन में क्या होता है यू एस बी के लिए अलग ड्राइवर आता है माउस के लिए अलग ड्राइवर आता है तो हो सकता है हमारे मशीन का जो यूएस बी ड्राइवर है वो आउटडेटेड हो गया हो तो करें क्या आप उसे अपडेट कर लें वेबसाइट से इंटरनेट से ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल करप्टेड हमें पता है कि आ, 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 हमने ड्राइवर अपडेट कर लिया माउस का यूएसबी ड्राइवर भी अपडेट कर लिया तो एक ही रीजन हो सकता है कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम करप्ट हो गया है जिसकी वजह से प्रॉपरली हम वर्क नहीं कर पाए कर पा रहे हों तो उस स्थिति में हमें करना क्या पड़ेगा या तो हम क्या करें आ, रिस्टोर पॉइंट है ना और हम रिस्टोर कर लें कंप्यूटर को या तो फिर हमें करना होगा सीधे ऑपरेटिंग सिस्टम को री करना होगा एके? तो ये भी एक रीजन हो सकता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो करप्ट हो गया हो अदर हार्डवेयर इश्यूज बैड पोर्ट हो सकता है कि आपका जहां जिस पोर्ट में आप आ, माउस को कनेक्ट करते हो वो पोर्ट खराब हो गया होगा बैड माउस हो सकता है कि आपका जो माउस है वो ही खराब हो गया होगा तो करें क्या भाई अगर पोर्ट अगर खराब हो गया है तो आपको तो मदरबोर्ड में दिक्कत है हार्डवेयर प्रॉब्लम है तो उसे रिजॉल्व कराना होगा और यदि मान तो बैड पोर्ट है तो आप एक यूएसबी हब भी ले सकते हैं वहां पर आप उसे कनेक्ट कर सकते हैं बैड माउस हो सकता है आपका माउस खराब हो गया होगा वो डैमेज हो गया होगा तो आप माउस को दूसरे मशीन में दूसरे सिस्टम में आप लगा करके कनेक्ट करके देख लीजिए उससे आप श्योर हो सकते हैं कि आपके माउस में दिक्कत है कि सिस्टम में दिक्कत है सो थैंक यू वेरी मच आज हमने वो सारे रीजन्स देखे माउस क्यों रिस्पॉन्ड नहीं करता है उसके प्रॉबेबल सॉल्यूशंस भी हमने डिस्कस किया तो ये टॉपिक भी हमारा यहाँ कवर होता है थैंक यू वेरी मच